हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस पॉइंट। और इस वीडियो में आप सीखोगे सीएसएस एनिमेशन, किस तरीके से आप सीएसएस को यूज करके काफी अच्छे और अट्रैक्टिव एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, तो वो आप इस चीज इस वीडियो में देखोगे। और इसका फायदा ये होता है सीएसएस एनिमेशन यूज करने का कि आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट नहीं लगानी होगी या फिर आपको बिना फ्लैश यूज किए हुए आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो काफी अच्छे एनिमेशन। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये जो डिव लिया हुआ है, यहाँ पे मेरा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, सिंपली एक डिव लिया मैंने और यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर मैंने इसकी स्टाइलिंग दी हुई है। बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर है, विड्थ, हाइट एंड मार्जिन। सबसे पहले क्या करना होता है, मुझे एनिमेशन नेम देना होता है। एनिमेशन नेम मैं कर देता हूँ एनिमेशन वन। उसके बाद में एनिमेशन ड्यूरेशन देना होता है। एनिमेशन ड्यूरेशन का मतलब होता है कि कितने ड्यूरेशन तक वो एनिमेशन वर्क करेगा। मैं कर देता हूँ इसको 5 सेकंड। कितने ड्यूरेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे भी कोई भी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ आप जो सेट करोगे तो वो चेंज होने में कितना टाइम लेता है, ये ड्यूरेशन एनिमेशन ड्यूरेशन बताता है। अब जब आप यहाँ पे एनिमेशन नेम आपने डिक्लेयर कर दिया है, उसके बाद आपको यूज़ करना होगा की फ्रेम्स। उसके बाद में जो यहाँ पे एनिमेशन आपने लिया हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी होगी, एंड इसके अंदर सारे ही चीज़ें आपको डिक्लेयर करनी होंगी, सारी प्रॉपर्टीज़। जैसे मैं चाहता हूँ 0% पे, बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर देता हूँ येलो, एंड 50% पे मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन, एंड 100% में मैं बैकग्राउंड कलर इसका कर देता हूँ ब्लैक। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एनिमेशन ड्यूरेशन होगा, जैसे 5 सेकंड का एनिमेशन ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो जैसे ही एनिमेशन स्टार्ट होगा उसका बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए 50%, मतलब ये जो टाइम है मतलब 2.5 सेकंड पे इसका बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए ग्रीन एंड 100%। जैसे ही हमारा 5 सेकंड कंप्लीट होगा इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लैक। अब मैं यहां पे इसको रिलोड करता हूं, ये देखिए, ठीक है, यहां पे स्टार्ट हुआ मेरा बैकग्राउंड कलर येलो से एंड उसके बाद में लास्ट में आ गया ब्लैक, और जैसे एनिमेशन खत्म हुआ मेरा जो ओरिजिनल शेप था, ओरिजिनल स्टाइलिंग थी डिव की, वो आ जाएगी। ओके, फिर से मैं रिलोड करता हूँ, सबसे पहले येलो, देन ग्रीन, देन ब्लैक, देन ओरिजिनल पोजीशन। इस तरीके से हमारा एनिमेशन काम करता है। उसके बाद में आ जाता है हमारा एनिमेशन ड्यूरेशन के बाद एक प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले का मतलब होता है कितनी देर के बाद में एनिमेशन स्टार्ट होगा। पेज रिलोड किया मैंने, 2 सेकंड के बाद में एनिमेशन ड्यूरेशन मैंने यहां पे दिया हुआ 2 सेकंड। इसका मतलब जैसे ही पेज पूरा लोड हो जाएगा उसके 2 सेकंड के बाद एनिमेशन स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद में आती है दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन इटरेशन काउंट। एनिमेशन इटरेशन काउंट का मतलब होता है कि कितनी बार वो एनिमेशन वर्क करेगा। इसको मैं कर देता हूं 2। तो मैंने पेज रिलोड किया, सबसे पहले 2 सेकंड के बाद में येलो, देन ग्रीन, देन ब्लैक, देन ओरिजिनल पोजीशन उसकी नहीं आएगी क्योंकि वो ड्यूरेशन कॉन्टिन्यूसली 2 बार हो रहा है। जैसे मैंने पेज रिलोड किया 2 सेकंड के बाद में येलो, देन ग्रीन, देन ब्लैक, देन येलो, देन ग्रीन, देन ब्लैक, देन ओरिजिनल पोजीशन, मतलब 2 बार ये एनिमेशन परफॉर्म करेगा उसके बाद में ये रुक जाएगा। इसको आप इनफाइनाइट अगर कर देते हो तो ये एनिमेशन आपका चलता रहेगा, 2 सेकंड्स के बाद में स्टार्ट होगा देन चलता रहेगा वो। पहला एनिमेशन कंप्लीट हुआ, सेकंड एनिमेशन चल रहा है ये, उसके बाद में थर्ड टाइम, और इस तरीके से ये चलता रहता है। ये होता है हमारा एनिमेशन। उसके बाद आ जाते हैं, इसमें आप कुछ और भी अच्छे अच्छे एनिमेशंस बना सकते हो। मैं क्या करता हूँ कि इसका थोड़ा सा पोजीशन पे आपको काम करके दिखाता हूँ। तो मैं इसकी पोजीशन कर देता हूँ रिलेटिव,
एंड मैं इसको करूँगा, रिलोड करता हूँ सबसे पहले, ये यहाँ पे है, और मैं इसकी पोजीशन मूव करूँगा 0% पे। मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर मैंने इसका कर दिया येलो, एंड लेफ्ट की वैल्यू मैंने सेट कर दी 0, एंड टॉप की वैल्यू सेट कर दी मैंने 0। 50% पे बैकग्राउंड कलर मैं इसका सेट कर देता हूँ ग्रीन, एंड लेफ्ट की वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ 300px, एंड टॉप की वैल्यू मैं कर देता हूँ 0। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 75% कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ इसका ऑरेंज, लेफ्ट में रखता हूँ 300px, टॉप में कर देता हूँ 200px, एंड देन मैं 100% पे इसको लेफ्ट में ले आता हूँ, 100% पे मैं इसकी ओरिजिनल शेप, मैं क्या 100% पे इसको टॉप से 200 एंड लेफ्ट से मैं 0 कर देता हूं। अब इसको रिलोड करते हैं, 2 सेकंड बाद एनिमेशन स्टार्ट हुआ, यहां पे आया, देन नीचे आएगा, देन यहां आ जाएगा, उसके बाद में ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, 2 बार एनिमेशन करेगा, क्योंकि मैंने एनिमेशन इटरेशन काउंट इनफाइनाइट होती चलता रहेगा। एनिमेशन इटरेशन काउंट 1 कर देता हूं मैं, रिलोड किया ये यहां पे, देन 200px राइट, देन 200px टॉप, देन यहां पे कंप्लीट। अब मैं काम करता हूं कि मैं इसको थोड़ा 25% कर देता हूं, इसको मैं इसको 50% कर देता हूं, और देन मैं यहां पे एक और ऐड कर लेता हूँ 75%। 75 सबसे पहले यहां से मेरा लेफ्ट 0, टॉप 0, फिर लेफ्ट में 300 मूव करेगा, देन 50% पे लेफ्ट से 300 एंड टॉप से 200, 50% पे लेफ्ट से मैं कर देता हूँ 0, एंड टॉप से कर देता हूँ 200px, ठीक है, एंड फाइनली 100% पे मैं उसको ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचा देता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 0px, एंड ग्रीन ऑरेंज मैं इसको कर देता हूँ रेड, एंड इसको मैं कर देता हूँ पिंक, और एनिमेशन ड्यूरेशन मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, एनिमेशन ड्यूरेशन कर देता हूँ मैं 10 सेकेंड, एनिमेशन डिले जो है वो मैं 1 सेकेंड कर देता हूँ, ताकि 1 सेकेंड के बाद स्टार्ट हो जाए, मेरा यहाँ पे आ जाएगा 200 राइट यहां पे, देन ऊपर, ये देखिए हमारा एनिमेशन इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इसमें काफी सारी चीजें आप और भी कर सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट से 0, टॉप से 0, लेफ्ट से 300 राइट में मूव हो जाएगा, लेफ्ट से 300 एंड टॉप से 200px, ठीक है। तो इस तरीके से आप काफी सारी चीजें इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी अच्छे अच्छे एनिमेशन आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। मैं 75 इसको कर देता हूँ, तो थोड़ा और समझ में आएगा आपको, लेफ्ट से राइट आया, फिर ये बॉटम में आएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, उसके बाद में फिर से ये ऊपर जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। तो इसको आप इनफाइनाइट कर दो, और उसके बाद में इसका एनिमेशन ड्यूरेशन जो, इसको आप थोड़ा और कम कर दो, 2 सेकंड, तो काफ़ी तेजी में एनिमेट होगा ये, देखिए हमारा इस तरीके से काम कर रहा है ये, ठीक है। आप इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ और भी अप्लाई कर सकते हो, तो आप जब इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको और समझ में आएंगी, और अगर आपको कुछ डाउट होता है इस वीडियो में तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट्स में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।